नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में इन दिनों डेंगू का प्रकोप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। बता दें आपको कि 18 नए मामले आने से लोगों में हड़कंप मच गई है। बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी है। पटना में एक 16 वर्षीय किशोर की मौत से हड़कंप मच गया है। नौबतपुर के रहने वाले आर्यन कुमार को डेंगू के साथ पीलिया भी था और 24 अगस्त को उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि NMCH में भर्ती कराया गया था। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये इस साल जिले में डेंगू से तीसरी मौत है। इससे पहले एक बुजुर्ग और एक महिला की भी इस बीमारी से जान जा चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि गुरुवार को ही पटना में डेंगू के नए 18 मामले सामने आए हैं, जिनमें जिले में पीड़ितों की संख्या 230 हो गई है। फिलहाल 18 नए मामले सामने आए हैं। दरअसल बिहार के कई अन्य जिलों में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां जल जमाव है और जो पिछले साल भी डेंगू के हॉटस्पॉट पे थे। जिला संक्रामक रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद ने बताया कि गुरुवार को मिले नए मामलों में से सबसे अधिक 5 अनीशाबाद से, 3 कंकड़बाग से और 2 बांकेपुर से हैं। और इसके अलावे भी कई ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं। एक मरीज का पता स्पष्ट नहीं होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर ने बताया कि सभी मरीजों की जांच NMCH में की गई है। NMCH के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया है कि आर्यन का प्लेटलेट जो है काउंटर लगातार गिरता जा रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। आर्यन का प्लेटलेट लगातार कम होने से उसकी मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इस साल 1 जनवरी से 28 अगस्त तक डेंगू के 646 मामले सामने आ चुके हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक है और स्वास्थ्य विभाग को डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है। तो बता दें आपको कि बरसात का मौसम जो है वो चल रहा है, ऐसे में जलजमाव की समस्या भी कहीं ज़्यादा हो गई है। ऐसे में डेंगू का प्रकोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है। 18 नए मामले जो मिले हैं इसको लेकर भी हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको कि लगातार इस दौरान मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो अब डेंगू का प्रकोप जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं डराने लगा है। तो फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े हैं NBC 24 पर।